देखिए ऑब्वियसली एक ऐसी सिचुएशन है जो सबके लिए डिफ़िकल्ट है. बहुत सारी जगहों पे मैचेस कैंसिल भी हुए हैं और कुछ लोगों को फियर भी है, जो कि मेरा ख्याल में ठीक है. लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने लाहौर कलंदर के तमाम प्लेयर्स और मैं जो सपोर्ट स्टाफ है उनका. दे आर फुली कमिटेड टू द टीम और हमारे जो सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे रुक रहे हैं और कल का मैच इंशाल्लाह खेलेंगे और दे आर अवेलेबल फॉर दैट. सर, ये समीन राना फाइनल्स के लिए भी अवेलेबल होंगे तमाम प्लेयर्स? देखिए कुछ कमिटमेंट्स हैं प्लेयर्स की. इंशाल्लाह अभी हम कल का मैच जीतते हैं तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हाउ वी गोना मूव गो फॉरवर्ड, बट लाहौर कलंदर विल हैव देयर ऑल फॉरेन प्लेयर्स. कल का मैच जो है वो बहुत जरूरी है लाहौर कलंदर का, अगर उसमें सेमीफाइनल में जाना है तो कितने पूरे उम्मीद हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स रिदम में नहीं है. हालांकि बहुत अच्छे शहीन शाह अफरीदी कारकर्दगी दिखा रहे हैं लेकिन उस रिदम में नहीं है जिस तरह फास्ट बॉलर उनके समझे जाते हैं. मैं समझता हूं कि शहीन शाह अफरीदी एक जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है बहुत ज़्यादा क्रेडिट उनको जाता है. हमें सबको पता है उनको इंजरी हुई थी और वो इंजरी के बावजूद, हालांकि मैनेजमेंट भी उनको ये रेस्ट देना चाहती थी, लेकिन वो इतने ज़्यादा कमिटेड हैं कि वो कहते हैं कि मैं खेलना चाहता हूँ, हर मैच खेलना चाहता हूँ. फिर भी उन्होंने टॉप विकेट टेकर हैं लाहौर कलंदर के लिए. हारिस को शुरू में अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी इंजरी हुई, उनको रिकवर किया. अब जब आप इंजरी से रिकवर करके वापस आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है आपको रिदम में आने के लिए. दिलबर हुसैन को भी इंजरी हुई, उनकी जो है शोल्डर में प्रॉब्लम था, फिर रिब्स में प्रॉब्लम हुआ. तो मैं समझता हूँ कि हमारे सारे बॉलर जो हैं अनफॉर्चुनेटली 100% नहीं है, लेकिन टीम के लिए 100% वो जान भी मार रहे हैं, परफॉर्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह कल के मैच में मुझे बहुत उम्मीद है कि नॉट ओनली फास्ट बॉलर बट हमारे जो स्पिनर्स हैं वो भी अच्छा करें. किस तरह देखते हैं कि पहली दफ़ा ये मौका है कि लाहौर कलंदर की टीम आपको विनिंग ट्रैक पर पहुँची और ट्रॉफी भी जीतने की उम्मीदवार है, तो किस तरह पूरी जर्नी को देखते हैं? शुरू में पंजाब में मैच अच्छे नहीं खेले, बाद में जो लोकल स्पोर्ट में भी आपको क्राउड की थी और इस तरह डरों को खिलाड़ी ने परफॉर्म की, इससे कितना कॉन्फिडेंस आपकी टीम का क्या? डेफिनेटली देखें कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा है और टीम ने जिस तरह से कम बैक किया है, कम टीमें ऐसा कम बैक करती हैं. क्रेडिट अगेन गोज़ टू लाहौर कलंदर प्लेयर्स और मैनेजमेंट, हेड कोच और जो हमारे सपोर्ट स्टाफ है, उन सारों ने एक बड़ी कोशिश की. पहले तीन मैचों में हारने के बाद ऑब्वियसली मोराल काफ़ी डाउन था, बट जो सीजन प्लेयर हैं, हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, वो राइट मौके पे परफॉर्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि कल का मैच जो है वो हम अपनी तरफ से पूरा अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे. बट क्रिकेट है, एनीथिंग कैन हैपन और T20 में यू कांट प्रिडिक्ट, बट हमारी टीम की पूरी कोशिश है, कोई और थॉट नहीं है हमारे जेन में एक्सेप्ट टू विन. समीन भाई, सोहेल अख्तर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया लाहौर कलंदर ने, कप्तान भी बनाया, फिर अब ओपनिंग पे भी बड़े कामयाब जा रहे हैं, समझते हैं अब ये प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान को सर्व करने के लिए इस वक्त तैयार हो चुकी है? देखिए पाकिस्तान का फैसला तो ऑब्वियसली सेलेक्टर्स करेंगे और जो काफ़ी नॉलेजेबल भी हैं. एज़ फार एज़ द लीग इज़ कंसर्न, हम उन पर हमारा पूरा ट्रस्ट है. हम समझते हैं कि वो उन्होंने प्रूव भी किया कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान और इंशाल्लाह उनका आगे ब्राइट फ्यूचर है. अगर वो कंटिन्यू करेंगे परफॉर्मेंस ऐसे ही तो आई एम श्योर के सेलेक्टर्स देख रहे होंगे और पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप में लोग देख रहे होंगे. एंड इफ़ ही सर्व्स पाकिस्तान, इससे अच्छी बात तो कोई नहीं. सुनील भाई, कराची में भी कल प्लेयर्स के टेस्ट हुए हैं, आज भी हुए हैं, आप दिन लाहौर में प्लेयर्स के टेस्ट हो गए हैं या होने कैसा है? देखिए वो जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं, दो स्टेजेज हैं. एक तो आप स्क्रीनिंग करते हैं और उसके बाद जहाँ पर आपको लगता है कि कोई ऐसा है प्लेयर या सपोर्ट स्टाफ जिसको टेस्टिंग की ज़रूरत है तो फिर आप टेस्टिंग में जाते हैं. तो हमारे कल प्लान है हमारा आफ्टर द गेम कि हम उसकी स्क्रीनिंग करें. आज मेरा ख्याल में मुल्तान सुल्तान की हो रही है, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली हम इस पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं और जो भी हफाजती इकदाम बताए गए हैं, टीम के पास हैंड सैनिटाइजर्स भी हैं, शेकिंग हैंड भी हम अवॉइड कर रहे हैं और जो जो कुछ पॉसिबल है हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपने प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकें. क्राउड के हवाले से कहिएगा कि लाहौर कलंदर हारे या जीते, प्रैक्टिस मैचों क्राउड की सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहती है लाहौर कलंदर्स के साथ, तो इन मैचेस में यकीनन सेहत जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितना मिस करेगा लाहौर कलंदर? देखिए लाहौर कलंदर की टीम ही क्राउड की वजह से,
मैं समझता हूँ कि हमारे कमबैक में अगर किसी एक फैक्टर को मैंने क्रेडिट देना हो जीत का, तो वो मैं क्राउड को दूंगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि एक टीम जो पिछली हिस्ट्री भी उसकी ऐसी रही कि वो लास्ट नंबर्स पे आती रही, और पहले तीन मैचों के बाद जिस तरह से एक ओपिनियन बना कि शायद ये टीम जो है ये कुछ नहीं कर सकती, हैट्स ऑफ टू दोज फैंस, हैट्स ऑफ टू दैट क्राउड जो मुश्किल तरीन हालात में लाहौर कलंदर को सपोर्ट करते रहे, और उन्हीं की वजह से मैं अपने फॉरेन प्लेयर से भी बात करता हूँ, आज जो वो यहाँ पे हैं पाकिस्तान के अंदर डिस्पाइट के कुछ लोग चले गए हैं, वो भी ये बात करते हैं कि हम लाहौर के क्राउड को कुछ ओ करते हैं, हमें उनको कुछ रिटर्न करना है, हम अपनी तरफ से पूरा करेंगे कि लाहौर के क्राउड को हम खुशियाँ दे सकें। तो हमारे लिए अगर नंबर वन प्रायोरिटी है तो वो लाहौर कलंदर के फैंस और सपोर्टर्स।